बचा है कूद के या उसकी डेथ हो गई है। देखो भाई, अगर एक घंटा यहाँ पे रुके ना बाहर तो बस -8 देख लो भाई। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, अच्छे से हो गए और ठीक हो गए। तो दोस्तों अभी आए हुए हैं लद्दाख, तो खाली करने को गाड़ियाँ लग चुकी है, वो देखो एक गाड़ी पहले लग चुकी है, इसके बाद दूसरा गाड़ी है, उसके बाद तीसरा गाड़ी मेरा नंबर है। उस गाड़ी का अब एक टाला रह गया है, अभी उसके बाद और एक गाड़ी है, फिर मेरा नंबर है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको अनलोड करने को। तो भाई फाइनली मैं गाड़ी लगा दी अनलोडिंग के लिए। कल सवेरे लोडिंग करनी है गाड़ी के, तो अभी जो चौगलम सर का बाईपास रोड है वहीं से चल रहा हूँ। वो सामने एयरपोर्ट है और सामने ही मेन रोड है, ये वाले जो है ये वाले पे नो एंट्री नहीं होती है, यहाँ से दिन में चल सकता है बंदा, लेकिन अगर आगे हो गया आप ये क्या नाम है इसका फ्यांग से आगे, तो फ्यांग से इधर आने नहीं देंगे। हाँ, इधर ही पीछे हो गए तो यहाँ से आ जा सकते हो। अभी दोस्तों खालसी पहुँचने वाले हैं, चल रहा हूँ आराम आराम से, 10 मिनट ऊपर 6 बज चुके हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, लेकिन आज बराबर मिनमरक तक चलना पड़ेगा। तो कल सही से दिखा नहीं पाया वो टैंकर का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है भाई, गाड़ी का जो है सत्यानाश हुआ है यार, पता नहीं ड्राइवर का कोई पता नहीं मुझे कि वो बचा है कूद के या उसकी डेथ हो गई है। देखो भाई डर लगता है देख के ही, टैंकर को देख के बाप रे। चलो भाई कारगिल पहुँचने वाला हूँ और चल रहा हूँ आराम से, वक्त पे कारगिल पहुँच के ही कुछ खाऊंगा अभी, वो हल्दीराम का वो क्या बोलते हैं उसको, दाल का एक पैकेट लिया उधर से, वही खा रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं, अभी कल पेशन गोई भी है बर्फ की, कल मुझे वापस भी चढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। हो गया भाई लोग 10 और मैं काम करके मार्केट से जा रहा हूँ। टाइम हो गया बराबर 12 और पहुंच चुके हैं द्रास, ये है मेरी गाड़ी, ये है होटल। अब खाऊंगा पहले कुछ खाना क्योंकि पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, फिलहाल खाएंगे खाना वाना फिर देखते हैं क्या करते हैं, कुछ खाएंगे यार आमलेट वगैरह। भाई अगर एक घंटा यहाँ पे रुके ना बाहर तो बस ऊपर पहुंचना पक्का है, पक्का है कि नहीं? पक्का कसम से यार, बहुत लेट तक होता है ये होटल खुला द्रास में, जहाँ पे ये थाना है उसी के सामने भाई, मगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भाई। आमलेट बन गया, कितना है? -2 -8 देख लो भाई, देखो हालत क्या होगी इधर। तो भाई यार थोड़ी बहुत राहत मिल गई, कुछ खाया तो पेट में थोड़ी राहत मिल गई, बाकी अभी चलते हैं मिनमरक तक।
देखते हैं, अभी सुबह से ही पेशेंट को ही दिखा रहा है कि कल सुबह से बर्फ है, अब पता चलेगा सुबह ही क्या है क्या नहीं। क्योंकि मुझे सुबह इसलिए जल्दी है, मैं सो जाता इधर ही, लेकिन मुझे कल सवेरे लोड करना है कारगिल का। अगला व्लॉग ज़रूर देख लेना, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरा बर्फ़ दिखाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी दिखाऊंगा आप लोगों को गिरते हुए फिर से, क्योंकि कल लेट तक तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर कल सवेरे जल्दी छोड़ा। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। भाई सही में कल की पेशेंट को ही तो सही लग रही है, कल और परसों बर्फ, क्योंकि भाई ऊपर पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है। क्या करे भाई, किस्मत भी खराब, बस कल दिन को बर्फ ना गिरे, बस कल शाम से अगर स्टार्ट होगी चलेगा। मैं भी वेदर देख रहा था तो वहाँ पे दिखा रहा है कल 6 बजे से बर्फ है, परसों 6 बजे तक, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल चल रहा हूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी पहुंच चुका हूं मिनी मरग, और यहाँ पे आपको ज़्यादा गाड़ियाँ दिखने को नहीं मिलेगी, जो गाड़ियाँ 7 बजे तक आई होगी इधर कि छोड़ेंगे मत, खाली वही कुछ गाड़ियाँ, चार पांच गाड़ियाँ दिखेगी आपको, बाकी गाड़ियाँ सब पीछे ही कहीं पे सो जाते हैं, या तो द्रास में कोई कारगिल में, क्योंकि भाई यहाँ पे ठंड आपने देखा ही होगा। मैंने अभी जो उधर होटल वाले के पास आपको दिखाया था कि माइनस कितना होता है यहाँ पे, यहाँ पे इस टाइम है -8, मतलब गाड़ी रात को 3 बार 4 बार स्टार्ट करनी ही करनी है, और जब इसके बाद -20 -30 चला जाता है उस टाइम भी आपको पता ही है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं इसलिए सीधे ही आ गया क्योंकि अभी मैं पहुँच गया इधर, टाइम हुआ है 1, और आपको ये पता ही होगा कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, घंटे 4 होते हैं तो तब तक गाड़ी बर्दाश्त कर देगी, इतना तो बर्दाश्त होगा गाड़ी को कि इतने टाइम में वो जमेगी नहीं। चलो अभी जो है गाड़ी में लगा दी ये यहाँ पे साइड में, चलो भाई चलो भाई, वो है होटल वो भी बंद है, और ये है चक्कोश। चलो भाई अभी करते हैं सोने की तैयारी, गाड़ी तो गर्म है ठीक ठाक, क्योंकि आगे पर्दा लगा हुआ है बिल्कुल बंद, अभी सो जाते हैं, करते हैं ये व्लॉग यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।